जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का ये दिन हम सभी के लिए न जाने कितने जख्म दे गया, कितने घाव दे गया। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में हमने अपने देश के 40 सपूतों को खोया। हमें जख्म हर दिन हर रोज खाते आ रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि मेरे देश के जवान, मेरे सरहद के वीर अपनी इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर गए, हमारी आजादी के लिए, हमारे सुख चैन के लिए। किसी माँ ने अपना बेटा खो दिया, किसी पत्नी ने अपना सुहाग खो दिया, किसी बहन ने अपना भाई इस देश पर, इस मातृभूमि पर कुर्बान कर दिया। और आज जो लोग हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने अपनी शहादत इस मातृभूमि के लिए दी। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी का प्यार, आप सभी का आदर, आप सभी का स्नेह भारतीय सेना के प्रति बना है। ये पूरे देश के सैनिकों के लिए गर्व की बात है। लेकिन जब ऐसे मार्मिक पल हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में आए दिन ऐसी घटनाएं जम्मू कश्मीर में होती है, वो घटनाएं जो हमें अंदर तक झकझोर देती है। आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ, हमारे देश के सैनिकों के, मेरे सीआरपीएफ के भाइयों के शवों के चिथड़े उड़ा दिए गए, बड़े दुख की बात है, बड़ा सोचनीय और चिंतनीय विषय है। मेरे प्यारे देशवासियों, एक देश का सैनिक सदैव अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन अगर हमारे देश के राजनेता उस देश के सैनिक की शहादत पर राजनीति करते हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा, आपको बोलने का अधिकार है, आप बोलिए। आप देश के राजनेता है, आप राजनीति कीजिए। लेकिन बात जब देश के सैनिक की आती है, उसकी शहादत की आती है, आप अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपने किसी परिवार के सदस्य को देश की सरहदों पर भेज कर देखिए। बीच में कुछ आज एक कुछ एक नेता देश के सैनिकों के ऊपर, उनकी शहादत के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। उन घटिया लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर उनका बेटा उस हमले में शहीद हुआ होता, तो मैं कहना चाहूंगा, क्या वो आज भी राजनीति करना चाहते? ये बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है। हिंदुस्तान इतना बड़ा गम झेल रहा है, इतना बड़ा आतंकी हमला हमारी देश के सेना के ऊपर हुआ, और हमारे देश के 40 वीर अपनी शहादत का जाम इस वतन के लिए पिया, लेकिन वो सत्ता के चंद कीड़े जिन्हें उस आतंकी हमले में भी अपनी रोटियां सेकने की पड़ी है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, सैनिक सिर्फ देश का होता है, लेकिन आपस में इस प्रकार की अनाप शनाप बयानबाजियां करना, आज देश गम के माहौल में है और न जाने कितनी वेदनाएं उस मां को अपने बच्चे के गम में हो रही है, न जाने क्या उस हमारी बहन जिसका सुहाग उजड़ा है उनके ऊपर क्या बीत रही है। और हमारे देश के बुद्धिजीवी कुछ एक राजनेता अपनी रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार के घटिया बयानबाजियां कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद और चिंतनीय विषय है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं भारत सरकार से उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार उड़ी हमले के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, आज हिंदुस्तान फिर से ये चाहता है कि फिर से दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। अगर हमारे देश के, मेरी देश की सेना के 40 वीर शहीद हुए हैं, तो आज हिंदुस्तान को जरूरत है उन 40 के बदले 400 सर काटने की, उन 40 उन आतंकियों को खत्म करने की। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, कब तक हम ये घाव सहते रहेंगे? कब तक हम जम्मू कश्मीर में अपनों की अर्थियों को कांधा देते रहेंगे? बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप। अब हमें, मुझे तो यह लगता है कि अगर दिल्ली की सरकारें अगर आदेश दें, तो जितने आतंकी जम्मू कश्मीर में, ये सारे जितने भी अलगाववादी नेता जम्मू कश्मीर में रहे हैं, ये सारे उन्हीं के कुकर्मों का फल है। अगर कोई पत्थरबाज, और आज जिस आतंकी ने फिदायिनी हमला किया,
और जम्मू कश्मीर के पुलवामा का वहीं पे और जहां पे हमला हुआ वो आतंकी वहीं का, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग वो सभी लोग देश के गद्दार हैं जो उन पत्थरबाजों को शह दिए जा रहे हैं, और वही पत्थरबाज आए दिन उन आतंकियों के साथ मिलकर के मेरी देश की सेना के ऊपर हमले करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत भारतीय सेना आतंकियों को दबाने में, भारतीय सेना दुनिया किसी भी मुल्क से बदला लेने में सक्षम है, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं मेरे देश में होती है और मेरे देश के नेता उन घटनाओं को राजनीतिक रुख देते हैं, उसके बाद मेरे देश के सैनिकों का मनोबल टूटता है। मेरे प्यारे देशवासियों, उड़ी हमले के बाद मेरी कविता कश्मीर तो होगा पाकिस्तान नहीं होगा वायरल हुई थी, आप सभी का भरपूर प्यार सहयोग मिला था और हमें उम्मीद थी कि कभी दोबारा हमारे देश के गद्दार इस प्रकार की, हमारे देश के या जो आतंकी है वो कभी इस प्रकार की हिमाकत नहीं करेंगे कि हमारी देश की सेना के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद वो लोग फिर से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देंगे। लेकिन आज जो हुआ है वो आज नहीं, वो आए दिन भी हो सकता है। इतने सुरक्षा के इंतजाम होने के बाद भी अगर आतंकी सेना की गाड़ी के ऊपर हमला करते हैं, सेना के वाहनों को अगर शिकार बनाते हैं, ये हम सभी के लिए सोचनीय और चिंतनीय विषय है। मेरे देश के जवानों ने न जाने कितनी बार शहादत का जाम पिया, वो चाहे पठानकोट हमला हो, वो चाहे उरी हमला हो, वो चाहे आज पुलवामा में जो हमला हुआ वो चाहे वो हो। हम लोग हमेशा शांति चाहते हैं, मेरे देश के सैनिक हमेशा लोगों के साथ अमन चाहते हैं, हमें कभी नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई बेगुनाह मारे जाएं। लेकिन आज वक्त आ गया हिंदुस्तान को कड़ा जवाब देने का, भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना रुख पाकिस्तान के खिलाफ और आतंक के खिलाफ कड़ा करने का। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर इसी प्रकार हमारे देश के सैनिक आए दिन मरते रहे, न जाने हमें कितने घाव हर रोज मिलते रहेंगे। मुझे लगता है कि आज के बाद अगर भारत सरकार की आंखें नहीं खुली तो मुझे लगता है कि कभी भी नहीं खुल पाएगी। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, देश में पार्टियां चाहे कोई भी हो, भाजपा हो चाहे कांग्रेस, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन मेरे देश पर जब इस प्रकार के आतंकी हमले होते हैं, मेरे देश के वीर सैनिकों को जो शहरों पर हम आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, जब मामला उनकी सुरक्षा से जुड़ा हो या जब भारतीय सेना के जवानों की इज्जत मान सम्मान का फैसला हो, सेना के हाथ खुले छोड़ देने चाहिए, सेना के हाथों को बेड़ियां नहीं डालनी चाहिए। वो चाहे अगर पाकिस्तान अगर कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करना होगा, बेगुनाहों को भी मारना होगा, क्योंकि कुछ एक लोग जो पत्थरबाजों के हमदर्द और हिमायती बने हैं उन सभी को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि वही लोग आज जम्मू कश्मीर में हैं जो भारतीय सेना के जवानों को पत्थर मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, चांटे मारते हैं, भारतीय सेना के ऊपर पथराव किया जाता है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर की पूर्व सरकार माननीय मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी उन आतंकियों को अपने रिश्तेदार कहती है, उन्हें कहती है कि ये हमारे बच्चे हैं और यहाँ के नागरिक है। जो शख्स मां भारती के खिलाफ खड़ा होता है वो देश का गद्दार है, और हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य बनता है कि हम सभी उनके खिलाफ खड़े हों। और ये भारत सरकार को चाहिए, आज जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और केंद्र सरकार को ये निर्णय लेना होगा कि जम्मू कश्मीर में जहां भी कोई भी पत्थरबाज दिखे उसे बड़ा होने से पहले ही उसका सर कलम कर दिया जाए, क्योंकि आज पत्थर मारेगा, कल गोली चलाएगा, परसों आतंकवादियों के साथ मिलकर के मेरे देश के सैनिकों के ऊपर हमला करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इतना बड़ा गम हमें मिला, आज सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया, हम उन सैनिक परिवारों के साथ हम लोग खड़े हैं, विश्व की सारी शक्तियां उन लोगों के साथ खड़ी है, उन शहीद परिवारों के साथ खड़ी है। लेकिन आए दिन छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी हमारी सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर, उस बस के ऊपर हमला करके मेरे 25 भाइयों को मारा गया था। आए दिन हर रोज हमें नए घाव नए जख्म मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कहां कमजोर पड़ रहे हैं कि हम आतंकियों से लोहा नहीं ले सकते। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जरूरत है हम सबको बुलंद आवाज के साथ एकजुट होने की और भारत सरकार को कड़ा निर्णय लेने की। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को फ्री हैंड छोड़ देना चाहिए। आतंकवादी अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी चाहे जिस भी घर में पनाह ली है उस घर को ही उड़ा देना चाहिए, उस घर पर ही धावा बोल करके उस घर में पल रहे उन सपोलों को खत्म कर देना चाहिए, जिनकी वजह से आए दिन हमें अपने देश के वीर सैनिकों की शहादत पर हमें दुख झेलना पड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों,
बहुत से आप लोग जुड़े हैं मेरे भाई यहाँ पे, आप सभी का आज हम सभी लोग अपने देश के उन शहीद परिवारों के साथ खड़े हैं, मेरे भारत माँ के जिस लाल इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जो हमारी बहन विधवा हुई, जो हमारे बच्चे अनाथ हुए, जिस माँ की गोदी सुनी हुई, आज सारा हिंदुस्तान उस माँ के साथ खड़ा है, उस बेटे के साथ खड़ा है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को, जो राजनेता है, उन्हें सिर्फ रोटियां सेकनी है। मैं उन्हें संदेश देना चाहूंगा, उन्हें एक कहना चाहूंगा, अगर आप देश के सैनिकों के हमदर्द है, अपने बच्चों को भारतीय सेना में भेज के देखो, अपने बच्चों को उस सरहद पर भेज के देखो, अपने बच्चों को आप देश के किसी वर्दीधारी संगठन में भेज के देखो, तब पता चलेगा शहीदों की हिफाजत कैसे होती है और अपनों के बिछुड़ने का गम और दर्द क्या होता है। लेकिन आप सिर्फ ऐसी कमरे के अंदर से रणनीति बनाना, वो बात अच्छी नहीं है। आप एंटी स्टेटमेंट्स दें, वो चीज अच्छी नहीं है। आज पूरा देश गम में डूबा है और सारा देश ये चाहता है कि हम सभी लोग अपने उन 40 शहीदों का बदला लें और हम लोग एकजुट होकर के उन शहीद परिवारों के साथ खड़े हों, हम अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं उन मां भारती के शहीद परिवारों के साथ रखें और इस प्रकार की जो बयानबाजियां अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए कोई कर रहा है वो बंद करे। उड़ी हमले के बाद भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक किया, उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान को देश की केंद्र सरकार ने कड़ा संदेश देकर के सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके ऊपर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और आज जब इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा दर्द हमें मिला और आज पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भी चंद पार्टियों के लोग, कुछ लोग जिन्हें सिर्फ राजनीति की पड़ी है, उन्हें किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का बेटा आए, किसी का मरे, किसी का जाए, लेकिन जब अपना परिवार का अगर कोई मरता है, अपने परिवार का शहीद होता है, दुख सिर्फ उसी परिवार को होता है। चार दिन के लिए लोग मीडिया में उन शहीदों के फोटो लगाएंगे, उन शहीदों की पोस्ट शेयर करेंगे, लेकिन पांचवें दिन उस परिवार को ही वो गम झेलना पड़ता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गम उस शहीद परिवार को मिला है। उसके बच्चों को, पूरी उम्र से जिनके सर से बाप का साया उठ गया, उन बच्चों को सारी उम्र अनाथ जीना पड़ेगा। और उस हमारी बहन को, इस जो अपने सुहाग का इंतजार कर रही थी, सारी उम्र उसे विधवा होकर के जीना पड़ेगा। या उस मां को जिसकी कोख का एक ही लाल था, वो उसने इस वतन के लिए कुर्बान किया, उस मां को सारी उम्र बिना बेटे के जीना पड़ेगा। कितना बड़ा गम है, कितनी बड़ी शहादत है हम आपके लिए। अगर वो हमला अपने ऊपर नहीं सहा होता तो वो आतंकी किसी और को मारते। हमारी सुरक्षा के लिए मेरे देश के सैनिक खड़े हैं और हम आपके लिए मेरे देश के जवान हर रोज सरहदों पर शहीद हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे देश के कुछ एक राजनेताओं की, कुछ एक लोगों की सोच आज भी नकारात्मक है, मेरे देश के सैनिकों के खिलाफ है, जो इतना बड़ा दर्द इस देश के लिए, अपना सर्वोच्च बलिदान देकर के लिए, अपने प्राण मातृभूमि के लिए त्याग कर रहा है, उस सैनिक के प्रति आप इतनी छोटी मानसिकता और छोटी सोच रखते हैं। आपसे घटिया लेवल का कोई लोग हो ही नहीं सकते। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं उम्मीद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आपके निर्णय हमेशा देश हित में कड़े रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कड़े निर्णय इस मातृभूमि के लिए लिए, इस देश के लिए दिए। बहुत कुछ आपने अपने 5 साल में मेरे भारत को दिया। भारतीय सेना को आपने सशक्त किया, आपने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कड़े फैसले लिए। राफेल जैसा विमान भारतीय सेना में आना, अपाचे हेलीकॉप्टर जैसा भारतीय सेना में, चिनूक का भारतीय सेना में आना, भारतीय नौसेना के लिए कई कड़े फैसले लेना, हम आपके फैसलों का स्वागत करते हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक जो उड़ी हमले के बाद हुई थी, आज भारत ये चाह रहा है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक फिर से पार्ट 2 पुलवामा हमले के बाद भी होनी चाहिए। उन आतंकवादियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्रवाई करनी चाहिए और पाकिस्तान जो उन आतंकवादियों का आका बना हुआ है, उसके खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय अदालत से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठा करके हम अपना पक्ष रखे। यार, भारत शांति प्रिय देश है, हमने हमेशा अपनी मातृभूमि के लिए, हमने सभी लोगों के लिए, हम सदैव वसुधैव कुटुंबकम को मान करके चले हैं। और हम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिन् दुःख भाग् भवेत्। हम अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हम एक अहिंसा के पुजारी बनकर के आगे चले हैं, लेकिन जब इस प्रकार के हमारे देश में आतंकी हमले होने के बाद भी हम लोग इतना बड़ा दम अगर बिना चुप रहे सह जाएं, तो हमसे बड़ा
शांति प्रिय भी कोई नहीं हो सकता। आज जरूरत है देश को कड़े फैसले लेने की, देश हित में अच्छे निर्णय लेने की, और मेरे देश के सेना के लिए उन जवानों का मनोबल बढ़ाने की। और जब भी आह्वान होगा, आज देश की सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। मेरे देश के बहुत से क्रांतिकारी युवा आज भारतीय सेना के साथ खड़े और सरहदों पर जाने के लिए तैयार खड़े हैं। जब कभी इस मातृभूमि के लिए आप एक बार आह्वान तो करो। बहुत से सरफिरे, बहुत से क्रांतिकारी युवा सरहदों पर बिना वेतन के जाने के लिए तैयार खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे दिन में न जाने कितने मैसेज आते हैं, कितने मेरे देश के युवा मेरे साथ जुड़ने के लिए, मैंने अपना पेज पे नंबर डाला है। बहुत से युवाओं के, हजारों युवा हर रोज मैसेज करते हैं, हम भी भारतीय सेना के साथ है और हम बिना वेतन के लिए, बिना भोजन, हम देश की सरहदों पर मां भारती की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन अंजाम चाहे जो भी हो, मेरे देश का हर युवा आज मातृभूमि के लिए अपना प्राण, अपना बलिदान देने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन जब वो देश का सैनिक अपने मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करता है, मेरे देश के सभी 125 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि हम आज पूरे जोश और पूरी ईमानदारी के साथ देश की सेना के साथ खड़े हो। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का ये दिन हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और मेरी उन माताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि है जिनके लाल इस मातृभूमि पर कुर्बान हुए, और मेरी उस मैं उस बहन को नमन करता हूं जिसका सुहाग इस देश के लिए उजड़ा, इस मातृभूमि के लिए कुर्बान हुआ। और मैं उस अनाथ बच्चे के सर पर से जिसके बाप का साया उठा, उसके लिए भी मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूं कि उनको आप इस दुख की घड़ी में, इस सदमे से उबरने की ताकत दे, इस सदमे से उबरने की हिम्मत दे, और उन शहीद परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा हो। हो सके अगर ईश्वर हमें सौभाग्य दे, हम उन परिवारों के लिए अपने ओर से पूरी तरह से समर्पित हैं। और क्योंकि ना तो हम उस मां को बेटा लौटा सकते हैं, ना उस बहन को हम सुहाग लौटा सकते हैं, और ना उस और ना ही उस बेटे को हम बाप लौटा सकते हैं, लेकिन हम सदैव आपके साथ हैं। आपका यह बलिदान पूरा हिंदुस्तान याद करेगा, आपका यह बलिदान स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आपके बेटे, आपके पति, आपके भाई, आपके बच्चे ने इस देश के लिए जो कुर्बानी दी, उसे सारा देश याद रखेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से, हम सभी लोग देश की सेना के साथ खड़े हो। इस प्रकार के जब दुखद और मार्मिक दर्दनाक घटनाएं हमारे देश में होती है, हम सिर्फ अपने देश की सेना के साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन करना उन शरद के वीरों को है जो रणवीर देश के वहां डटे हैं। आज मेरा पूरा देश उनके साथ खड़ा है, हम सभी लोग उनके साथ खड़े हैं, हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ खड़ी है, उन परिवारों के साथ हम खड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये चाहते हैं कि मेरी देश की सरकार उन आतंकियों से बदला ले। मेरी देश की सरकार अगर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करे और जो हमारे देश के सैनिक शहीद हुए उनके परिवारों के लिए श्रद्धांजलि होगी। लेकिन चलो, फिर भी हम सभी लोग अपने देश की सेना के साथ बने रहे। मैं आप सबसे अनुमति चाहूंगा और ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी सदैव देश के सैनिक के प्रति ईमानदारी से पेश आए, आप सम्मान उनका कीजिए। क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन -50 डिग्री टेम्परेचर पे सरवाइव करना, और वहां पर जहां आपको सामने दिख रहा है कि मौत सामने खड़ी है, फिर भी आप सीना ठोक करके आप उस सरहद पर जाते हैं। और धन्य है वो माँ जिसे पता है कि मेरा बेटा न जाने कब गोली का शिकार सरहद पे हो जाएगा, फिर भी वो मां इस मातृभूमि के लिए अपने बच्चे को भेजती है। धन्य उस जननी की कोख जिसने इतने सूरमा जने, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और धन्य है वो सरहद के वीर जो आज भी सीने पर गोली खाने के लिए सरहद पर खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सब उन देश के शहीद परिवारों के साथ खड़े रहो। मेरी ओर से उन सभी देश के परिवारों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।